दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर समझेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिम या फिर एलिमेंट्स ऑफ सिम। दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो डायग्राम बना हुआ है, हमें सिर्फ इस डायग्राम को समझना है और एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में यदि कंपोनेंट्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसको बनाना है और एक्स थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो बस हम इसी को समझाएंगे और इसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वह समझ में आ जाएंगे। सिम का फुल फॉर्म नॉर्मली जो सब्जेक्ट का फुल फॉर्म है वही होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। डायग्राम ऐसा पूरा बनेगा लेकिन एक एक भाग को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से पढ़ने में आए और समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुने, सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्स हैं या फिर हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग है सीएडी, कैट। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दूसरा भाग है CAMPC, CAMPC कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। थर्ड भाग है CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद फोर्थ भाग है कंप्यूटर एडेड बिजनेस फंक्शन, कंप्यूटर एडेड बिजनेस फंक्शन। ये जो चार भागों को भी हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब हमें आना चाहिए कैट में क्या क्या होता है, जो हमारा CAMPC लिखा है इसमें क्या क्या होता है, CAM में क्या होता है, CABF में क्या होता है। बस हमें इतना आना चाहिए और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इससे और अच्छे समझ में आ जाए। तो जो पहला एलिमेंट कैट है, तो कैट के अंदर क्या क्या होता है ये हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, वो वही लिखना है। जैसे जियोमेट्रिक मॉडलिंग, मॉडलिंग आप सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मल किसी का डिजाइन बनाना, मॉडल बनाना, जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस पे जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उनको एनालिसिस करना कि वह उनका जब इफेक्ट होगा तो क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट होती है सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो एक्चुअल में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है, तो प्रैक्टिकली करना उसको। फिर होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कंप्यूटर एडिट डिजाइन मतलब जो सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग की, उस पर इसका प्रयोग करना, उस पर पूरा क्या करना, 3D व्यू या जो भी व्यू है वह पूरा बनाकर देखना। ज्योमेट्रिक का मतलब और जो कंप्यूटर एडिट डिजाइन में थोड़ा अंतर होता है। ज्योमेट्रिक मतलब उसकी डायमेंशन है, स्पेसिफिकेशन है, उससे संबंधित होता है। और कंप्यूटर एडिट डिजाइन मतलब वो डायमेंशन यूज होंगी लेकिन पूरा 3D मॉडल तैयार करना, पूरा एक एक्चुअल में देखना कैसा मॉडल होता है या कैसा प्रोडक्ट हमारा दिखेगा। फिर कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंट्स, और जो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, ड्राफ्टिंग करना, कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी ड्राफ्टिंग ही होती है, 3D मॉडल हमारा नहीं जाता है, जो भी हमारे वर्कर काम करते हैं वहां पर ड्राफ्टिंग नॉर्मल 2D डायग्राम एक नक्शा टाइप का जाता है, इसे हम बोलते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन उसी को हम बोलते हैं। ये होता है कैड के अंदर। अब सेकेंड वाले भाग को समझते हैं। नेक्स्ट है CAMPC, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जो कंप्यूटर एडेड, इसके अंदर अलग भागों में डिवाइड किया गया। जैसे पहला जो होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन आप जानते हैं कोई प्रोडक्ट का निर्माण करना, तो उसके निर्माण के लिए पूरी प्लानिंग करना कि कैसे बनेगा। प्लानिंग में चाहे वो मशीन की बात हो, चाहे वो ऑपरेशन की बात हो, चाहे टूल की बात हो, या फिर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात, ये सब किसके अंदर आ जाता है, प्लानिंग के अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि रॉ मटेरियल को मंगवाने का और फिर स्टोर में जो प्रोडक्ट बनने के बाद रखना है, ये पूरी प्लानिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडिट प्रोसेस प्लानिंग। कंप्यूटर एडिट प्रोसेस प्लानिंग मतलब जो भी हमारी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से जो पूरी प्रोसेस तैयार करना, किसके लिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वह क्या आती है, कंप्यूटर एडिट प्रोसेस प्लानिंग के अंदर। फिर मास्टर शेड्यूलिंग, फिर एक मास्टर शेड्यूल तैयार किया जाता है ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट का, कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितने भी काम होते हैं उसके लिए एक मास्टर शेड्यूल तैयार करना है कि कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी,
और कितने कितने समय में किस किस मशीन पर समय लगने वाला है, इस तरह पूरी क्या करते हैं, शेड्यूलिंग कर लेते हैं हम टाइम को मैनेज करने के लिए। मास्टर रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, फिर हो गया मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वह किस मटेरियल का बन रहा है, वह मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे उसको हम वहां से लाएंगे, फिर कैसे हम फ्लो कराएंगे कहाँ कंपनी के अंदर, ये पूरी प्लानिंग करना मटेरियल रिक्वायरमेंट। फिर है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब है कि जो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन कौन से इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, वह कैसे काम करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, ये सब क्या है हमारी मशीन के ऊपर प्लानिंग की जाती है, तो रिसोर्सेज उसी के अंदर आता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का मतलब स्टोर करने का सिस्टम, जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको स्टोर कहां पर किया जाएगा, क्यों कई प्रोडक्ट के लिए कोल्ड की जरूरत पड़ती है, कई के लिए हॉट की जरूरत पड़ती है, कई के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और कई को बहुत सारी मतलब जो हमारी कोरोजन वगैरह ना हो जाए, इस तरह अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी स्टोरिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, उसका भी मैनेजमेंट होता है, और बहुत सारी संख्या में प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम बाहर भेजेंगे, कैसे उनका बिजनेस करेंगे, तो सब कुछ क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अब थर्ड टाइप का जो हम एलिमेंट है उसको देखते हैं, नेक्स्ट है कैम, मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें दो प्रकार की होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग व एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एफएमएस क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या मतलब होता है कि जैसे हमारी चार मशीन चल रही तो बीच में हम क्या करेंगे, रोबोट को खड़ा कर दिया और चारों जगह वह काम करता रहेगा, जिससे क्या मजदूर, एक तो मजदूरों की जो संख्या वह कम हो जाएगी, हमारी जो कॉस्ट है वह प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, इसके अलावा समय क्या थोड़ा बचेगा, क्योंकि जो हमारा रोबोट वगैरह होती है या फिर अदर कोई सिस्टम है जो मटेरियल हैंडलिंग का उसका उपयोग कर रहा है, उससे समय बचता है क्योंकि वह फास्ट काम करता है और हमारा सही तरीके से काम करता है, तो इस तरह क्या है। और हमारी क्या होता है, या फिर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिक तरीके से एक प्रोडक्ट एक जगह एक मशीन पे जा रहा है, उसमें जो ऑपरेशन हो रहा है वह मशीन पे जो रोबोट लगा हुआ है, फिर से हमारी जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का हम कोई बेल्ट वगैरह से या किसी अदर चेन वगैरह से मटेरियल को रोटेट कराएं तो उस पर फिर से लोड कर दिया, इस तरह दूसरी मशीन पे आगे, ऐसे का पूरे सिस्टम का उपयोग करना। लेकिन ये सब कहाँ से कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर से हम क्या करेंगे इसको ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर एडिट क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये भी क्या, कंप्यूटर एडिट क्वालिटी एश्योरेंस मतलब उसकी क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी बनाए रखना, ये क्या इस पर डिपेंड करता है, ये भी हम कहाँ से, ये हमारी मशीनों और जो भी हमारे वर्क हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सारे कंप्यूटर से हम वहां से सिस्टम से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट होता CABF, कंप्यूटर एडिट बिजनेस फंक्शन। अब बिजनेस फंक्शन में आप सभी लोग जानते होंगे लास्ट है, नॉर्मली सबसे पहले क्या परचेजिंग होती है, आप सभी लोग जानते हैं परचेजिंग में क्या होते हैं, चाहे वो मशीन हो, टूल्स हो या फिर हमारा रॉ मटेरियल हो, ये सब परचेजिंग में आता है, तो ये भी हम कहाँ एक ही जगह स्टोर करके कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। फिर आता हमारा स्टोर, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है, टूल्स हैं हमारे या फिर हमारे प्रोडक्ट हैं, वह कहाँ क्या करना स्टोर करना, तो वह किस में आता है, बिजनेस फंक्शन में आता है, तो फिर स्टोर करने के बाद क्योंकि वहीं से हम क्या करते हैं उनको डिलीवरी करते हैं, वहीं से हम उनको भेजते हैं। फिर कॉस्ट प्लानिंग, तो कॉस्ट प्लानिंग करना मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा बन गया हमारा तो उसकी पूरी प्लानिंग करना कि हमारी कितनी कॉस्टिंग आई है उसमें, मतलब बनाने में कितना खर्चा आया, हम बेचे में बेचेंगे उसको कितने में, तो कितना हमारा प्रॉफिट होता है, ये भी हमारी किसके अंदर आता है, कॉस्ट प्लानिंग के अंदर। फिर कंट्रोल करना उसकी, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग मतलब बेचने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना, फिर अगर कहीं मतलब किसी ने खरीद लिया तो उसको मतलब क्या है भेजना, तो अब जब भेजने के लिए फिर क्या होता है हमारा पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, मतलब किसी कोई खरीद रहा है तो उसकी भाई भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको पैक करना पड़ेगा, तो उसकी पैकिंग आ गई और फॉरवर्डिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मतलब पूरे वर्कर काम कर रहे हैं, पूरा हमारा बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए फाइनेंस और पूरा अकाउंट की जरूरत पड़ती है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे इंजीनियर वगैरह काम करते हैं या जो भी रिक्वायरमेंट है वो कैसा ह्यूमन एंड रिसोर्सेज काम करता है। फिर डेवलपमेंट, अब एक ही जैसा प्रोडक्ट तो बनता नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आप देखते हैं, हर एक चाहे मोबाइल हो चाहे अदर कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज बन रही हो हमारे, चाहे मैकेनिकली गाड़ियां हो, सब में कुछ ना कुछ आप देखते हैं मॉडिफिकेशन मॉडिफाई होके आता रहता है, मतलब बदलता रहता है, जिसे क्या जो किसमें आता है डेवलपमेंट में आता है। फिर प्लांट मेंटेनेंस, अब जो मशीनें काम कर रही हैं, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है या कोई अदर हमारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, सभी में क्या होता है मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धीमे धीमे चीजें खराब होती रहती हैं, तो
उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, फिर लंबा चलाने के लिए हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मेंटेनेंस भी आ जाता किसमें, बिजनेस फंक्शन में। तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वैसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर समझ में आ गया, नहीं तो भील बनाया जो जैसा लिखा है इसको नंबर बाय नंबर लिख लें, समझ में आ जाएगा। बकाया अच्छे से थ्योरी हिंदी और इंग्लिश में सारे टर्म मैंने लिख दिए हैं एप्लीकेशन के अंदर जो पीडीएफ है उसमें, पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, और नहीं है पीडीएफ तो कोर्स परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई वीडियो की, उस वीडियो को देखें, उस वीडियो में मैंने जैसा बताया एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर उसमें जैसा मैंने बताया लॉगिन करने के लिए लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद जहां पर कोर्स मिलेगा वो भी मैंने बताया, उसको भी ध्यान से देखें, और फिर कैसे परचेज करना वो भी बताया, तो एक बार वीडियो अच्छे से देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स।